9 FM 92 81 40 है, एंड जो सदरी है इनकी ये ब्लैक कलर की है, एंड जो इनका शर्ट या कुर्ता है वो वाइट कलर का है। तो उसको या तो मैं यहाँ पे अपना रब रखता हूँ या फिर यहाँ ले जाता हूँ, तो मुझे उसकी एक इमेजिनरी जो पिक है वो माइंड में हल्की हल्की बनने लगती है। तो उन्होंने क्या पहना है, ग्रीन एंड रेड के कॉम्बिनेशन में उन्होंने शायद पहना है कुछ। ये कोई दो लोग हैं, एक लेडी हैं जो अपने बच्चे या बच्ची को गोद में उठाई हुई है। ये हाँ, नोट कितने की है? 500 की है। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे बगल में एक मुस्कुराता चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, एक युवा है। आप सोच रहे होंगे कि ये सामान्य से दिखने वाले युवा हैं तो इंटरव्यू कैसा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आज ये खबर जो है, आज ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं, इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि तीसरी आँख जैसी जो चीज़ हमने कहीं ना कहीं वेदों में पढ़ी या सुनी है वो आपको हकीकत जैसी महसूस होगी। क्योंकि हम लोग अधिकतर दो आँखों से देखते हैं, जिनके पास एक आँख नहीं होती है वो एक आँख से देखते हैं। अगर दोनों आँख ना हो तो ये आप समझिए कि आप देख नहीं सकते हैं इस सृष्टि को। लेकिन इनके पास एक ऐसी शक्ति है कि ये आँखों पर अभी पट्टी बांधेंगे, उसके बाद इस अखबार में लिखी चीज़ को पढ़ेंगे। ये अखबार इनका नहीं है, ये हम अपनी तरफ से खुद ले आए हैं। क्योंकि जब हम इनका वीडियो देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि कोई सेटिंग वगैरह तो नहीं है, कि मतलब इन्हें पहले से कोई अखबार मिल जाता हो और उसको ये पढ़ लेते होंगे। तो इसलिए ये अखबार अपनी तरफ से ले आए हैं ताकि इनका एक टेस्ट लिया जाए अपनी तरफ से। तो अभी पहले इनका एक छोटा परिचय लेंगे, फिर आँख पर पट्टी बंधवाएंगे। पट्टी पहले मेरे आँख पर बंधेगी ताकि मैं देख पाऊँ कि दिख रहा है या नहीं। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है कि इतना जांच पड़ताल हो रहा है? कौन सा आईएएस के इंटरव्यू में बैठेंगे इतना जांच पड़ताल? नहीं नहीं, मुझे तो काफी खुशी है कि कम से कम आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगी, तभी जो सामने देख रहे हैं लोग उनको सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं कुछ हद तक। क्योंकि 100% सेटिस्फेक्शन तो कभी नहीं होगा, इतना तो मुझे मालूम है। नहीं, मैं तो जब आपका इंटरव्यू देखी ना तो मुझे खुद भी भरोसा नहीं होता, ऐसे कैसे मतलब आँख बंद हो गया, फिर आप नोट पढ़ ले रहे हैं, फिर उसके बाद आप तस्वीर देख के बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं। मुझे खुद ही नहीं समझ में आता कि मतलब ऐसे कैसे संभव है। एक्चुअली ये आप ही नहीं, वीडियो देख के अप्रोक्सीमेटली 70-80% लोगों को कभी बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा होता है। सब लोग को लगता है कि कुछ टेक्निक है, कोई लोग आते हैं कोई वीडियो वगैरह, तो उन लोगों को लगता है कि या तो इनको पैसे दिलाया गया होगा या तो ये इनके फैमिली मेम्बर होंगे, इसीलिए ये जो है कुछ टेक्निक से कुछ कर दिए हैं वीडियो, मतलब देख रहे हैं किसी से। हाँ, और पट्टी में कुछ झोल है, तो ऐसा जो है कि हम चाहेंगे कि आप पहले आप खुद सेटिस्फाइड हो जाइए कि पट्टी में जो है ऐसा कुछ ना हो। तो ऐसा हो तो उसको आप खुद से भी कोई हैंकी हो या फिर कोई पट्टी हो तो आप अपना भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं उन तक जो हम परोसें या उन तक जो हम दिखाएं वो इतना, मेरे हिसाब से तो कम से कम इतना सही हो कि वो हम पे ही भरोसा कर लें कि मतलब दीदी ने दिखाया है या जो भी मानते हो बेटी ने दिखाया सही होगा। तो आपसे अपील है कि आप इनको बांधिए पट्टी और हम देखते हैं। पहले तो रुई लगेगी, छेद वेद नहीं ना है कपड़े में। ये दो दो लेयर की है, इसको डबल फोल्ड करने को है। इसको आप पहले अपने आंखों पर चेक कीजिए। ये माइक में नीचे रख रही हूँ। तो अभी इस पे रुई लगती है ना, इस पे रुई लगेगी, उसके बाद एक और इसी तरीके की पट्टी एक और लगेगी। ये वाली जो है ये भी टू लेयर की है, ये भी लगेगी, मतलब इसके ऊपर एक और बंधेगी, इसके ऊपर एक और बंधेगी और उन दोनों के बीच में ये दो रुई लगेंगी। और उसके बाद भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसके बाद भी तो कहीं पता चले रुई में ही कुछ। आप खुद तो अपने आंखों पर पट्टी बांधिए, अपने क्लियर हो। फिर अभी मैं जब ये पट्टी बांध लूंगी फिर आप मुझे उंगली दिखाएगा कितनी है, 2, 4, 6, ठीक है? मैं मतलब ऐसा, मैंने कोई टेक्निक मेरे पास नहीं है। आपको सहयोग करता हूँ, मैं खुद बांध दीजिए। कहीं कुछ दिख रहा है क्या?
नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बस उंगली दिखा दीजिए एक बार। मैं दिखा रहा हूँ उंगली, 1, 2, 3, 4, 5। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, अब खोल दीजिए आप। मतलब अगर मैं ये सोच, अगर आप ये सोच रहे हो कि नीचे से अगर कुछ दिख जाए, जैसे नहीं हम लोग जब बचपन में खेलते थे ऐसे आँख पे पट्टी बांधने वाला, तो जब हम अपने हाथ से कुछ बांधते थे तो ऐसा बांधते थे ना कि नाक के बीच से थोड़ा दिख जाता था, तो चीटिंग करके हम ऐसे कर लेते थे। तो अंकल जो बांध रहे हैं वो इतना सफाई से बांध रहे हैं कि नीचे से भी कुछ नहीं दिख रहा। तो ये पट्टी बनने जा रही है, पहले एक काली पट्टी बन रही है, फिर उस पर कॉटन लगा रहे हैं, फिर उसके बाद से डबल लेयर लग रही है। दो लेयर की पट्टी हो गई पट्टी। दोगुनी सही है क्या? सही है। वी आ ई विद घ ध व ओ ओ ओ विधवाओं क की प पेन पेंशन पेंशन सही है। यहाँ जो पढ़े हो ठीक था सही है। इसके बीच में देखो किसी की फोटो है क्या? यहाँ थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे यहाँ। हाँ थोड़ा और ऊपर करके देखो। हाँ ये शायद माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी उनके बगल में भी किसी के बगल में। इधर माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। कैसे हो पा रहा होगा ये कि एक कपड़े की डबल लेयर की एक बार पट्टी, फिर उस पे कॉटन, फिर एक पट्टी जो डबल है, ऐसे समझिए कि चार कपड़ा बंधा हुआ है ऊपर से कॉटन भी। मैं थोड़ा और पढ़ाऊँ आपसे, मतलब इनका पेपर है कल और ये एकदम टेंशन में होंगे ही, लेकिन अब आदमी की उत्सुकता ऐसी होती है कि लालच समझिए कि समझ नहीं आ रहा है कैसे कर रहे हैं। पढ़ना है, कुछ लिखा है? बड़े लेटर्स हैं, चौ यहाँ से पढ़िए। अच्छा ये, हाँ ये वर्ड है, ये वर्ड है सोच, सोच। आगे बढ़िए। ये आपके चैनल का नाम तो नहीं? मेरे चैनल में भी सोच आता है कि उनको ऐसा लग रहा है। ईमानदार। हाँ सही है। हाँ ईमानदार। काम काम दमदार। सोच ईमानदार, काम दमदार। अच्छा ये सोच पढ़ने के बाद आपने कहा कि आपका चैनल का नाम थोड़ी ऐसे, मतलब क्यों? मतलब सोच लिखा था तो, और पेपर भी आप नहीं लाए थे तो हमें लगा कि कहीं भारत ने नहीं सोच लिखा हो। ये पेपर हमारा था इसलिए इन्हें लगा कि ये हम खुद अपना ही चैनल का नाम लिखवा के लाए होंगे। और क्या कर सकते हैं? नोट पे आप
नंबर पढ़ के बताते हैं? हाँ, कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बिना छुए बता देंगे क्या? अगर मैं आपके सामने ऐसे उंगली करके बताऊँ कितनी है? नहीं, बिना छुए तो कुछ नहीं। और क्या क्या महसूस कर पाते हैं आप? कोई मोबाइल में कोई फोटो हो तो उसे टच करके और फिर बता सकते हैं। कोई नोट का नंबर हो तो उसे बता देंगे, नोट कितने का है वो बता देंगे, नई है पुरानी है। और फोटो में भी अगर जान पहचान का होगा कोई तो बता देंगे किसका किसकी फोटो है, और नहीं जानते होंगे तो बता देंगे कि लेडी है या फिर मैन है, मतलब मैन वुमन कौन। हाँ, नोट है ना, आप मुझे ये बताइएगा ये नोट कितने की है? ये हाँ, नोट कितने की है? पाँच सौ की है। नंबर? नंबर यहाँ पे ही है, 9 FM 92 81 40। गजब। अच्छा, ये नोट इनका नहीं है तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये नोट हम पहले दिखाए होंगे उसके बाद ये नंबर पढ़ के बता रहे हैं, तो ये नोट इनकी नहीं है। अब मैं और आपसे क्या कराऊँ, एक दो फोटो देती हूँ ना आपको फोन से निकाल के। और क्या क्या पहचान लेते हैं? कलर्स पहचान लेते हैं। हाँ, कलर्स पहचान लेंगे, एब्सोल्युटली कलर्स पहचान लेंगे, फोटोज वगैरह पहचान लेंगे, नोट्स बता ही दिया। अगर फोन में फोटो देखेंगे तो आप ये बता देंगे कि उन्होंने किस कलर का कपड़ा पहना है? हाँ, कोशिश करेंगे और शायद बता देंगे। अभी बताइए ना, मोदी जी ने किस कलर का पहना हुआ है, जो भी कपड़ा पहना है, अगर कोशिश कर पाए तो, क्योंकि वो हमेशा चेंज ही करते रहते हैं। यहाँ पे हैं दो कलर है उसमें, मैं पहले क्लियर कर दे रही हूँ, दो कलर है। एंड जो सदरी है इनकी ये ब्लैक कलर की है, एंड जो इनका शर्ट या कुर्ता है वो वाइट कलर का है। जब यहाँ पे योगी जी भी हैं, वो तो सेम ही पहनते हैं, वो आसान होगा बताना। अच्छा, यहाँ पे एक लेडी है, वो बताइए उन्होंने क्या पहना हुआ है? जो इनका ये तो नहीं पता कि क्या है, बट दुपट्टा लगाई है शायद, जो कि भगवा कलर का है, ठीक है, ऑरेंज कलर का। एंड जो नीचे जो कपड़ा पहनी है वो आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट ये पर्पल ब्लू कलर का है, लगभग ब्लू पर्पल। ये एक तस्वीर है आपके सामने फोन में, अब आप बताइए। शायद अक्षय कुमार है। अच्छा, ये छू के आपने नहीं बताया, आप अपने यहाँ ऐसे जो ये तीसरी आँख होती है, कहते हैं भोलेनाथ के पास एक ऐसी तीसरी आँख है, आप ऐसे सामने ले जाके फिर आपने बताया, तो क्या आपके पास भी है क्या तीसरी आँख कुछ? मैं मानता हूँ, क्योंकि जो है मुझे जो चीज़ें मोबाइल में, जैसे कि ये मोबाइल की चीज़ें जो है उसको टच करने से फील नहीं आती, तो उसको या तो मैं यहाँ पे अपना रब रखता हूँ या फिर यहाँ ले जाता हूँ, तो मुझे उसकी एक इमेजिनरी जो पिक है वो माइंड में हल्की हल्की बनने लगती है, तो इसलिए मैं कर... अच्छा, आप कपड़ा भी बता देते हैं वो क्या पहने हैं? हाँ, दूसरी फोटो है देखिए, ये रही। हिल रही है फोटो। हाँ, ये भी एक एक्ट्रेस हैं, इनका नाम नहीं जानते, भूल भुलैया में इन्होंने रोल प्ले किया है। एंड इन्होंने क्या पहना है जी? ये फोटो हिल रही है इसलिए दिक्कत हो रहा है। हाँ, वही ग्रीन एंड रेड के कॉम्बिनेशन में उन्होंने शायद पहना है कुछ। मतलब ये फोटो आप देखिए, इसमें विद्या बालन जी जो हैं साड़ी पहनी है, पर इनकी साड़ी इतनी भी नहीं दिख रही है कि एक कलर पहचाना जा सके, और ये पहचान ले रहे हैं।
गजब, जलवा है एकदम। अच्छा इनका बताइए, आपने कपड़ा नहीं बताया था, ये क्या पहने हुए हैं? कौन? जो इससे पहले आपने अक्षय कुमार जी को देखा था? हाँ हाँ, शायद ब्लैक कलर का कुछ पहना है, शायद कुर्ता है या शॉर्ट है। ये एक और अखबार है, इसमें एक कोई है, इसमें ये बताइए कौन है, मेल है फीमेल है? ये इसमें कोई दो लोग हैं एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई एक लेडी है जो अपने बच्चे या बच्ची को गोद में उठाई हुई है एंड ये जो है ग्रीन कलर का पहनी हुई है साड़ी एंड जो बच्ची है वो उसने वाइट कलर का पहना है और उसमें कुछ डॉटेड प्रिंटेड भी है, आई डोंट नो। समझ नहीं आ रहा है रिएक्शन कैसा दूं, सही में एकदम इस पे कैसा रिएक्शन देना है मुझे नहीं पता, पर मुझे ये तो पता है कि ये कोई काला जादू नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये दरअसल एक प्रैक्टिस है। अभी मैंने इनसे पूछा तो आपने ये सुना कि बिना छुए ये नहीं बता पा रहे हैं। मैं कहीं भी बैठूंगी मुझे ढूंढ लेंगे। अच्छा यहाँ पे ढेर सारे मेहमान भी हैं। मैं दूर चली जाती तो भी ढूंढ लेते ना अगर मैं दूर चली जाती तो भी ढूंढ लेते। इस रूम में मेरे को नहीं फील हुए, सो बाहर गए, लेकिन ज्यादा दूर होते तो हम नहीं ढूंढ पाते। एब्सोल्युटली। तो मतलब ऐसा तो नहीं, मैं नहा के आई थी सुबह तो मतलब ऐसे कैसे ऐसे होता कि दुर्गंध वगैरह आ रही होती तो आदमी? दुर्गंध की नहीं, जैसे लाइक जैसा कि मैंने बताया कि ये जो अगर मैं इससे देख सकता हूँ तो इससे ये भी तो देख सकता हूँ कि आप इस रूम में नहीं हो। हम इधर गए उधर भी गए तो उधर मैंने देखा कि आप यहाँ नहीं हो, और जब आप इसमें नहीं हो तो जाहिर सी बात है बाहर बैठे हो गए। मैं बाहर भी जा सकती थी, छत पर भी जा सकती थी। हाँ, तो आप वहाँ गए रहते तो नहीं ढूंढ पाते। नहीं हाँ, और मतलब मुझे नहीं लगता मैं कितनी परीक्षा लूं। आप ऐसे समझिए ना कि ये सिर्फ इसमें सिर्फ ये नहीं पहचान रहे कि एक महिला एक बच्ची है, यहाँ तक इन्होंने ये बताया कि ये जो बच्ची है ये सफ़ेद रंग का कुछ तो पहनी है जिसमें डॉट डॉट बना हुआ है, यानी कि ये जो डॉट इतना छोटा सा है मक्खी के बराबर वो भी इनको नज़र आ रहा है, इतनी बारीकी है इस तस्वीर में वो भी ये पकड़ लेना। अच्छा ये एक और आखिरी आपसे, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को इतना मन हो रहा है कि मैं एक नया नया टेस्ट लेती रहूं और आप उसमें पास होते रहें। इस तस्वीर में क्या क्या चीज़ें हैं आप मुझे बता पाए तो? यहाँ तो एक बल्ब है एलईडी एंड हाँ ये कोई लड़का है एंड हेयर इज होल्डिंग अ नोटबुक, आई थिंक शायद उसने कोई नोटबुक या पेज पकड़ा है। यहाँ लड़का है और ऊपर एक लाइट जल रही है एंड पीछे कोई जो है मकान का जो है दीवार है जो कि प्लास्टर अभी नहीं हुआ है। ये कैसे पता चला कि प्लास्टर नहीं हुआ है? क्योंकि उसमें ईंटों का जो स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है। जब आपका टेस्ट संपन्न हुआ, अगर आप चाहें तो आप खोल भी सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे जो इस सामान्य से बच्चे को इतना काबिल बनाए हैं। मैं गुरु बोलूं आचार्य बोलूं क्या बोलूं मुझे नहीं समझ आ रहा, पर आप ये समझिए कि मैंने बताया अभी इस पहली वाली तस्वीर में कि इस बच्ची के कपड़े का डॉट डॉट बता दिया इन्होंने, अब ये तक बता दिया कि ये जो दीवार है, अब आप फोटो देख सकते हैं अपनी भी आँख से। वैसे आपको तो दिख भी रहा होगा। दिख रहा था बट जो फेसेस हैं वो क्लियर नहीं हो रहे थे अभी।
दिख रहा है कि ये है, ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। कलयुग में ऐसे चीज़ों को या तो वरदान माना जाता है या तो काला जादू, सीधी बात कह रही हूँ। तो मैं क्या बोलूँ इसको कि ये एक वरदान है जो आप बच्चों को दे रहे हैं या ये एक प्रैक्टिस है, क्या क्या कहा जाए इसे? पहले तो आपका बहुत स्वागत है जो आप इतनी अच्छी चीज़ें बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। ये हमारी कोई नई चीज़ नहीं है, ये हजारों वर्ष पहले ऋषि महात्माओं ने किया था। उन्होंने भी कोई चमत्कार नहीं किया था, उन्होंने अध्ययन किया था और उस पर साधना की थी। हम भी वही कराते हैं, साधना के बल पर इन बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं, फिर उनको मेडिटेशन कराते हैं, कंसंट्रेट करके फिर उनको आई इल्यूजन, उनको अलग अलग कलर की चीज़ें उनको दिखा करके उनके आई को कंसंट्रेट करते हैं। धीरे धीरे ब्रेन के सेल्स हमारे एक्टिवेट होने लगते हैं, जो जो डंप सेल हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं, उनका पावर बढ़ने लगता है। तो इसकी इस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो आँखें तो हमारी केवल कैमरा की तरह सकती हैं, वास्तव में देखता ब्रेन ही है। वो ब्रेन हमारा डायरेक्ट बगैर कैमरे के भी देखने लगता है। तो वो बच्चे सीधे यहाँ से, जिसको पहले कहा था जिसकी थर्ड आई, वो थर्ड आई आज भी है, सबके पास है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है थर्ड आई के रूप में काम करने लगता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिना छुए बिना महसूस किए, जैसे मतलब अगर हम जैसे टीवी देखते हैं इस आँखों से, तो हम टीवी को छूते नहीं हैं बल्कि दूर से ही देख लेते हैं, तो ये प्रैक्टिस क्या इतनी हाई लेवल तक पहुंच सकती है कि हम दूर कोई चीज़ रख दें और तब हम पूछें कि उसका कलर क्या है बता दो, या टीवी में कौन दिख रहा है बता दो? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का बड़ा दुरुपयोग भी होता है, कई चीज़ों का बड़ा दुरुपयोग भी होती है। अभी आपने देखा कि आपको बच्चे ने मोबाइल आपका ले जा करके आपने जगह परिवर्तन कर दिया, बिना आपको छुए बिना आपको टच किए सीधे वो आपके यहाँ तक पहुँचा और जाके आपको दिया। तो बिना छुए भी काम कर सकता है, बिना टच किए भी कर सकता है, लेकिन उसके लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लेवल को बढ़ाने पर दुरुपयोग की भी आशंकाएँ हैं। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, अगर उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो कहीं कहीं इसके दुरुपयोग की भी संभावनाएँ ज़्यादा हैं। परीक्षा में वो पेपर ही आउट कर देंगे, पेपर यहाँ देखा और बाहर वाले को उसने कन्वे कर दिया, वहाँ से आंसर लेकर के अंदर कर दी। तो इसके लेवल में बहुत कुछ संभव है, इसमें तो इतना कुछ संभव है कि अगर सामने आपके गिलास में पानी है और बच्चे ने अगर उस पर ध्यान लगा दिया तो गिलास का पानी उठ के उसके पास आ जाएगा। लेकिन उस लेवल पर मुझे नहीं ले जाना, हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे हो जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं अभी और बात करना चाहती थी, अभी मैं और तसल्ली चाहती थी, या ये चाहिए कि मेरी इतनी उत्सुकता है कि मैं और देखना चाहती थी। हम बलियाँ आए हुए थे, हमने आपसे बात की और आपने समय दिया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई तो चले गए हैं यहाँ से, पढ़ने चले गए होंगे। वीडियो कैसा लगा है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।